तो हेलो दोस्तों, मोइन गिराज चिकन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं भाई बजाज सीएनजी का माइलेज टेस्ट। ये दुनिया की पहली सीएनजी बाइक है और आज हम इसका माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। और ये यूट्यूब पर पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें हम रियल माइलेज टेस्ट करेंगे। आज हम इसका टैंक फुल नहीं कराएंगे, इसका सीएनजी टैंक आज हम फुल नहीं कराएंगे। सिर्फ इसके अंदर 1 किलो सीएनजी गैस डलवाएंगे हम और देखेंगे कि 1 किलो सीएनजी गैस में ये बाइक कितने किलोमीटर चलती है। ठीक है, आज आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस बाइक का सीएनजी में कितना माइलेज है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारी बाइक में सीएनजी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्ट करके, साइड स्टैंड हटा लेता हूँ क्योंकि ऐसे स्टार्ट होगी नहीं। ये देखो, यहाँ पर देख सकते हो आप रिफिल सीएनजी की जो है वार्निंग लिखकर आ रही है। ये देखो रिफिल सीएनजी की वार्निंग लिखकर आ रही है और मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। ये देखो बाइक स्टार्ट हो गई। अब ये देखो, बाइक एक्सेलेरेटर नहीं ले रही है, गैस जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है हमारी। ठीक है, ये देखो, तो भाई आपने देख लिया सीएनजी गैस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और ये पहली वीडियो होगी भाई यूट्यूब पर। माइलेज टेस्ट तो बहुत लोग करते हैं लेकिन यार टंकी फुल में कहीं कम गैस आती है, कहीं ज़्यादा आती है। ठीक है, आज हम सिर्फ और सिर्फ 1 किलो गैस डलाएंगे इसके अंदर, सिर्फ 1 किलो सीएनजी डलवाएंगे इसके अंदर और फिर देखेंगे कि 1 किलो सीएनजी में ये बाइक कितने किलोमीटर चलती है। आज रियल माइलेज टेस्ट होगा इसका। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें 1 किलो सीएनजी भरवाते हैं। तो भाई अब हम इसमें 1 किलो सीएनजी डलवाने वाले हैं और देखते हैं कितने किलोमीटर चलेगी ये। ठीक है, और सीएनजी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से भरेंगे हम। ये देखो, यहाँ से हमें इस तरीके से इसे ओपन करना है और इसमें हम 1 किलो सीएनजी डलवाएंगे। ठीक है, सिर्फ 1 किलो डालना। ठीक है, बिल्कुल नपी हुई। तो भाई हमारी बाइक में 99 रुपये की गैस आई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 किलो से थोड़ी सी बस ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, 1 किलो लगभग 30 ग्राम है। ठीक है, 1 किलो 30 ग्राम गैस है इसके अंदर और अब देखते हैं भाई ये बाइक अब कितने किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो भाई हमारी बाइक में 1 किलो सीएनजी पड़ चुकी है और अब हम यहाँ से निकलते हैं। रीडिंग को मैं यहाँ से 0 कर लेता हूँ, मैं आपको मीटर में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो 1 किलो सीएनजी है और यहाँ पर इतनी हमारी ये सीएनजी की गेज आ रहा है कि इतनी सीएनजी है हमारी बाइक में, 1 किलो सीएनजी है और ये जो है रीडिंग को मैं 0 कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ठीक है, रीडिंग मैंने 0 कर ली है और अब देखते हैं ये बाइक 1 किलो सीएनजी गैस में कितने किलोमीटर चलती है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो भाई सीएनजी भरवाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं शाहजहांपुर के लिए और शाहजहांपुर में हम लोग जा रहे हैं भाई आरडी ऑफिस। क्यों जा रहे हैं वो इसलिए, अभी तक मैंने बाइक का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो मुझे बाइक का रजिस्ट्रेशन भी कराना है और आज हमारी बाइक का माइलेज भी चेक हो जाएगा कि हमारी बाइक जो है सीएनजी पर कितना माइलेज दे रही है। ठीक है, बजाज फ्रीडम 125 सीएनजी में कितना माइलेज देगी। ठीक है, और यहाँ पर मीटर में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, 16 किलोमीटर हमारी बाइक चल गई है और स्पीड जो है मैं 55 से 50 की ही रखूँगा, ज़्यादा बाइक को भगाऊंगा नहीं क्योंकि इतने पे अच्छे से अच्छा माइलेज आएगा निकल कर। 50 से 55 पर अगर आप बाइक को चलाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकल कर आएगा आपका। ठीक है, तो बीच बीच में मैं आपको दिखाता रहूँगा वीडियो में कि बाइक कितने किलोमीटर चल चुकी है और अभी हमारी बाइक 16 किलोमीटर चली थी और अब हम लोग आ चुके हैं नगरिया मोड़ वाले रोड पर। ठीक है, यहाँ पर हमारी बाइक चल चुकी है लगभग 32 किलोमीटर। ये देखो, और स्पीड आप देख सकते हो वही मेंटेन है हमारी 50 से 55, ज़्यादा बाइक को भगा नहीं रहा हूँ मैं क्योंकि माइलेज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या माइलेज हमारी बाइक का निकल कर आता है। देखो भाई, इतनी ही स्पीड मेंटेन रखूँगा मैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या माइलेज हमारा निकल कर आएगा। तो भाई 1 किलो सीएनजी डलवाने के बाद हम लोग आए थे किसी काम से शाहजहांपुर और शाहजहांपुर में हमारी बाइक टोटल मिलाकर चल गई है 56 किलोमीटर। यहाँ पर आप मीटर में देख सकते हैं, ये देखो, ये 56 किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है और यहाँ पर लो सीएनजी की वार्निंग लाइट भी जल चुकी है लेकिन अभी भी इस बाइक के अंदर सीएनजी बाकी है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हम लोग बरेली मोड़ पे खड़े हैं, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं सीएनजी में अब कितनी चलती है। ये जितनी सीएनजी इस बाइक के अंदर बाकी रह गई है तो देखते हैं कितने किलोमीटर अब हमारी बाइक चल पाती है। ठीक है, और देखते हैं घर पहुँच पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं।
तो भाई फाइनली हम लोग शाहजहाँपुर से भी निकल चुके हैं, लेकिन शाहजहाँपुर से निकलने में यार थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ यहाँ पर, तो हो सकता है घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाए, ठीक है। तो अगर अंधेरा हो गया तो मैं वीडियो आज शूट नहीं कर पाऊँगा, बाकी का बचा हुआ शूट हम कल करेंगे, और अगर सही टाइम से पहुँच जाता हूँ तो आज ही वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं यार कितने टाइम हम घर पर पहुँचेंगे। और अभी हमारी बाइक तकरीबन 56 किलोमीटर चल गई थी जब हम लोग बरेली मोड़ पर खड़े थे, ठीक है। तो अब देखते हैं यार घर पहुँच पाता हूँ कि नहीं, और घर पर पहुँच कर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं। तो भाई हम लोगों को शाहजहाँपुर से वापस आते आते शाम हो गई थी, तो इस वजह से हम लोग शूट नहीं कर पाए उस दिन। अगले दिन मैं ये शूट कर रहा हूँ, और हमारी बाइक चली है भाई 91 किलोमीटर, यहाँ पर आप मीटर में देख सकते हो, ये देखो भाई 91 किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है, और अभी भी इस बाइक के अंदर CNG बाकी है। मुझे उम्मीद नहीं थी यार मैं घर तक वापस आ जाऊँगा, और मैं घर तक वापस भी आ गया, और उसके बाद भी इसके अंदर CNG बाकी रह गई भाई, ठीक है। 1 किलो CNG डलवाई थी हमने सिर्फ इसके अंदर, लगभग 100 रुपये की पड़ी थी। तो अभी तक हमारी गाड़ी जो है 91 किलोमीटर चल चुकी है, बजाज फ्रीडम 125 91 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी इसके अंदर CNG बाकी है। रिफिल CNG की जो है वार्निंग लिख कर आ चुकी है, तो चलिए अब इसे लेकर चलते हैं और देखते हैं भाई कितने किलोमीटर अभी और चलेगी ये बाइक, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए भाई अब घर से निकलते हैं और देखते हैं कितने किलोमीटर अभी ये और चलेगी। थोड़ी बहुत CNG रह गई है, रिफिल CNG की वार्निंग आ चुकी है, तो देखते हैं भाई कितने किलोमीटर अभी और चलेगी। तो भाई अभी हमारी बाइक चल गई है लगभग 96 किलोमीटर, ये देखो भाई आई 96 किलोमीटर बाइक चल चुकी है हमारी, और अभी भी इसकी CNG खत्म नहीं हुई है। रिफिल CNG की वार्निंग तो बहुत देर से आ रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से इसकी CNG खत्म नहीं हुई है, और 96 किलोमीटर चल चुकी है। तो देखते हैं भाई अभी और कितनी दूर लेकर जाएगी ये बाइक हम लोगों को। तो भाई अभी हमारी बाइक चल गई है तकरीबन 99 किलोमीटर, और अभी भी इस बाइक की CNG खत्म नहीं हुई है। रिफिल CNG की वार्निंग काफ़ी देर से आ रही है, और ये देखो 99 किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है, और मैंने लगातार 50 से 55 की ही स्पीड पर चलाया है। तो देखते हैं भाई अभी ये बाइक हमें कितनी और दूर लेकर जाती है। तो भाई यहाँ पर हमारी CNG खत्म हो चुकी है भाई। तो भाई यहाँ पर हमारी बाइक की CNG खत्म हो चुकी है, और हमने बाइक को वहीं पर रोक लिया जहाँ पर CNG खत्म हुई थी, ठीक है। तो अब आपको दिखाते हैं मीटर में कितने किलोमीटर हमारी बाइक चल गई है, ये देखो भाई, ये देखो 110 किलोमीटर से भी ऊपर चली है हमारी बाइक, ठीक है। और मैंने इस बाइक को 55 से 50 की स्पीड पर ही चलाया है, ठीक है, और टोटली हाईवे पर चलाया है, ट्रैफिक में बहुत कम चलाया है, ठीक है। टोटल हाईवे की ये ड्राइव है, और मैंने इसमें 100 रुपये की CNG डलवाई थी। हमारे यहाँ CNG है भाई 97 रुपये किलो, यूपी में मैं रहता हूँ शाहजहाँपुर में, तो हमारे यहाँ 97 रुपये पर KG CNG है। 1 किलो CNG डलवाई थी मैंने इसके अंदर, ठीक है, 1 किलो से लगभग थोड़ी सी ऊपर थी, 1 किलो 20 ग्राम या 1 किलो 30 ग्राम होगी, ठीक है। तो भाई 100 रुपये की CNG डलवाई थी मैंने इसके अंदर, टैंक मैंने नहीं फुल कराया था, 1 ही किलो डलवा रहा था, लेकिन थोड़ा सा वो ज़्यादा पड़ गई थी इस वजह से, ठीक है। 100 रुपये दिए थे मैंने उसे, तो 100 रुपये की CNG आई थी इसके अंदर, और टोटल उस CNG में भाई ये 110 किलोमीटर से भी ऊपर चली है। तो भाई 3 रुपये छोड़ दो, ठीक है, 97 रुपये अगर आप मान लेते हो ना, तब भी इस बाइक का भाई 107 का माइलेज आ रहा है मेरे हिसाब से निकल कर। और मैंने बाइक को जो है 55 से 50 की स्पीड पर ही चलाया है, मैंने बाइक को ज़्यादा खींचा नहीं है, क्योंकि मुझे इस बाइक का माइलेज चेक करना था इसलिए। तो भाई अगर आप 1 किलो CNG डलवाते हो तो आपकी बाइक 105 किलोमीटर से 7 किलोमीटर चलेगी। आप कोई भी पेट्रोल बाइक लोगे तो आपको उससे सस्ती ही पड़ेगी, और 125 cc के अंदर आपको कोई भी बाइक इतना माइलेज नहीं दे सकती है, ठीक है। मैंने ये बाइक इसी वजह से ली थी क्योंकि यार मुझे माइलेज चाहिए था, ठीक है। इसके लुक्स भी अच्छे हैं और माइलेज भी अच्छा है, इस वजह से मैंने ये बाइक खरीदी है, ठीक है। ये अब बहुत बढ़िया बाइक मुझे लगी है, और माइलेज से तो भाई मैं फुली सेटिस्फाइड हो चुका हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहती है कार और बाइक से रिलेटेड। और CNG बाइक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है, या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इस बाइक को रिलेटेड, तो आप लोग हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।